विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। तो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें इससे पहला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने दर्पण की बात करी थी और हमने देखा था दर्पण हमने तीन प्रकार के देखे थे। नाम बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, मींस प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की। तो जैसा हम लोगों ने समतल दर्पण में प्रतिबिंब का देखा था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितना जो वस्तु जो है जितना मिरर के आगे होती है उसका जो प्रतिबिंब है उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब के हमने ये भी देखा था, हमने जब समतल दर्पण की बात करी थी तो ये देखा था कि वो सीधा ही होता है और वो हमने उसका और जो देखा था कि वो रियल इमेज नहीं बनता, वो वर्चुअल इमेज या हम कहते प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में और क्या हम समझ सकते हैं आज के हम टॉपिक में देखते हैं। तो प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमने दो हमसे एक चीज बोल रहे हैं, जो रेस है या तो वो एक्चुअल मिलती हैं या वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जैसे ये जो समतल है दर्पण, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यही आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस केस में वो वाकई मिलती हैं और किस केस में वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा समतल दर्पण है तो इसकी इमेज कैसे बनती है। जैसे पहले वाले सेशन में तो हमने आपको बता दिया था डिस्टेंस सेम होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का मिरर से, लेकिन अब यहाँ इसको थोड़ा सा और हम समझ रहे हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो चमकता हुआ सरफेस होता है, उस पे प्रकाश की किरण टकराती है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि मिरर का जो पीछे का पार्ट है वो पॉलिश है। इसका अर्थ है कि अब जो किरण जो उससे टकरा रही है वो उसको क्रॉस होके नहीं जाएगी, वो वापस आएगी। तो यहाँ ये देखिए, ये इस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो किरण यहाँ गई वो वापस इधर आ गई। तो इस और इमेज कब बनती है, जब दो किरण जब वो एक रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उस पॉइंट पे हमें इमेज देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने को कम से कम दो रेस तो दिखानी पड़ती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक टकराई वापस गई, दूसरी रे टकराई वापस गई। तो ये अब अगर हम इसको ये देखिए, ये यहां नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ उसको एक्सटेंड करें तो यहाँ हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। और क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इस कारण जो ये हम कहते हैं जो हमें एक इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये आभासी बन रहा है। अगर ये एक्चुअल में मीट होगी तब प्रतिबिंब जो होगा वो रियल होगा, लेकिन जब हम एक ऐसे उसको पीछे एक्सटेंड करके ज्वाइन करते हैं, हम एक ये सोचते हैं कि ऐसे पीछे जब रेस जाएंगी तो वो मीट होंगी, तब इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखिए कैसे बनते हैं कि इसके लिए जब दर्पण के सामने दो या अधिक परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब दर्पण के सामने दो या अधिक परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ये दर्पण है और ये देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर जो हमारी ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे रेज गई, टकरा के वापस आई और ये हम इस प्रकार जो इमेज फॉर्मेशन का जब हम फिजिक्स में दिखाते हैं तो यही दिखाते हैं और इसका पूरा
रूल्स भी होते हैं जो आप लोग समझेंगे तो हम लोग एक जो हमारा जब हम इमेज बनाने का करते हैं तो उसका रूल यह होता है कि एक रे हम पास करते हैं ये जो हमारी बीच की जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके समांतर, ठीक है, और दूसरी रे हम पास करते हैं उसके फोकस से। तो एक रे यहाँ गई, ये टकरा के वापस गई, एक जो फोकस से गई वो टकरा के इससे वापस गई, और देखिए ये आपस में एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो यहाँ जो इमेज बनता है ये आपका एक रियल इमेज बनता है। और जैसा मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था कि जो रियल इमेज बनता है वो उल्टा इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब दर्पण के सामने दो और अधिक परावर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है जो हमने समतल दर्पण में देखा उसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और एक वास्तविक प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष उल्टा होता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के करेक्टरिस्टिक्स हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जब दो या दो दर्पण के पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो होता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये आई टकरा के वापस, ये आई टकरा के वापस, और हमें ये पीछे से एक आती हुई प्रतीत होती हैं, या अगर हम कहें एक मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये एक आभासी प्रतिबिंब पर बनता है और इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये इन्वर्टेड वो सॉरी वो सीधा बनता है। तो जो इससे पहले जो हमने देखा था जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसमें अभी ये हमने आपको इसमें इमेज में नहीं बता रहे, लेकिन वो जैसे हमने समतल दर्पण में देखा था वो सीधा ही बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की बात करते हैं तो समतल दर्पण से बनी गई प्रतिबिंब सीधी और आभासी होती है। प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण पर ही निर्भर करती है, ना कि देखने वाले की स्थिति पर। वस्तु का जो भाग जितना आगे होता है उतना ही वो पीछे होता है, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये एक हमें पार्श्व परिवर्तित का अर्थ ये हुआ कि हमें एक उल्टा दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि इसलिए एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है कि जब हम उसका उल्टा का प्रतिबिंब अपने कार के साइड मिरर में देखें तो हमें सीधा दिखाई दे। तो आप और ये पार्श्व परिवर्तित ये भी इसको भी कहते हैं कि अगर हम सीधा हाथ ऊपर करें तो आपको जब आप मिरर में इमेज देखेंगे तो आपको लगेगा आपका उल्टा हाथ ऊपर हुआ है। तो ये इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित होना। ये देखिए इसको हमने और आपको समझाया है कि अगर हमने कार मिरर के सामने ऐसा रखा है तो हम जब मिरर में उसकी इमेज देखेंगे तो हमें इस प्रकार प्रतीत होगा। ऐसे गेम्स भी खेलते हैं कि आपको मिरर इमेज दिखाते हैं, आपको गैस करना होता है ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा अक्षर है। तो जब हम किसी वस्तु को दर्पण के में देखते हैं तो वस्तु का दिशा परिवर्तन हो जाता है, दायां भाग प्रतिबिंब में बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। ये आपने जरूर ऑब्जर्व भी करा होगा। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तित, और ये हमें मेन प्लेन मिरर में ही बहुत देखने को मिलता है। बहुत क्या, ये एक हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब तीन प्रकार के, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये जो समतल दर्पण से बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, आपने जो रियल इमेज है उसके बारे में पढ़ा, और जो आपकी एक आभासी होती है उस इमेज के बारे में भी पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, किसमें जब रेस एक एक्चुअल मिलती हैं वो रियल प्रतिबिंब बनते हैं, और वो क्या होता है ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है। और जो आपके वर्चुअल इमेज बनते हैं तो ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, इमेज भी ऐसे, तो उसमें एक्चुअल क्या है, रेस आपस में नहीं मिल रही है, हम एक आभास होता है कि वो आपस में मिल रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती है। तो ये सारे हमने देखा
इन दो सेशंस में कि कैसे जो हमारे प्रतिबिंब है अलग अलग, चाहे समतल दर्पण है तो उसमें अलग प्रकार का बन रहा है, उत्तल दर्पण में अलग, अवतल दर्पण में भी अलग। तो ये आप और जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पोजीशन से भी चेंज होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो इमेज का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इमेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी चलते चलिए आगे आगे, इस चैप्टर में और बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। कोई भी प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।